नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। नए मोटर वाहन कानून के लागू होने के बाद से अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना अब आपके लिए महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि अब अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है और आप चाहते हैं कि किसी भी जिले से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें तो अब इसमें अड़चन आ गई है। ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम के अनुसार आप DL नहीं बनवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियमों में जो बदलाव किया गया है उसमें यह बताया जा रहा है कि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस आपके आधार कार्ड में जो पता है उसी के आधार पर बनाया जाएगा, यानी कि आपके जिले में अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको आवेदन देना होगा, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट देना होगा और आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा। ये नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए है। लर्निंग लाइसेंस जिस जिले में बनाया जाएगा उसी में जो है आपका परमानेंट भी बनेगा, यानी कि लर्निंग बनाने के कुछ समय के बाद एक नियम है, उसके बाद परमानेंट होता है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जिस जिले में आपने लर्निंग बनवाया है वहीं परमानेंट बनेगा, और लर्निंग तो बनेगा आपको अपने ज़िले से ही। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि लर्निंग और परमानेंट दोनों ही आपको अपने ज़िले से बनवाना है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि आप लर्निंग कहीं से भी बनवा सकते हैं, लेकिन आपको अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन को लेकर आधार में दर्ज जिले में ही आपको करवाना होगा। यानी कि इस जो नया नियम है उसके अनुसार ये है कि आप लर्निंग किसी दूसरे जिले में तो बनवा सकते हैं, लेकिन जब आप उसको परमानेंट करवाने जाएंगे तो आपको जो है आपका अपना जिला जाना होगा, और वहाँ पे जाने के बाद आपको आवेदन देना होगा, उसके बाद ही जो है आपका अस्थाई जो ड्राइविंग लाइसेंस बनना है वो बन पाएगा। आपको यह भी बता दें कि यह नियम 1 जून से लागू हो गया है। नई व्यवस्था में लर्निंग लाइसेंस कहीं से भी जारी हो सकता है, लेकिन अस्थाई लाइसेंस के लिए आधार के पते वाले जिले में RTO ऑफिस में आपको जाना होगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि यह व्यवस्था 1 जून से प्रक्रिया में है, यानी कि लागू हो गई। 1 जून को लर्निंग लाइसेंस लेने वाले लोगों को 1 माह बाद अपने आधार के पते वाले ज़िले में ही अस्थाई के लिए आवेदन करना होगा। यानी कि अगर आप दूसरे ज़िले में अगर आप ने लाइसेंस बनवाया है लर्निंग का, तो आप 1 महीने के बाद अस्थाई के लिए अपने ज़िले में जा सकते हैं। मान लिया जाए आपका आधार हाजीपुर में बना है, यानी कि आप जो है मूल रूप से हाजीपुर के निवासी हैं और आप चाहते हैं कि पटना में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, तो ये अब संभव नहीं है। कहा जा रहा है कि सरकार ड्राइविंग लाइसेंस में बदलाव इसलिए कर रही है क्योंकि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फेसलेस टेस्ट होता है, जबकि मैनुअल टेस्ट में आवेदन किसी भी जिले में लर्निंग DL बनवा सकता है। वहीं लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फेसलेस टेस्ट के आधार कार्ड से ही पते का सत्यापन हो रहा है, इसलिए आवेदन का जिस जिले में आधार कार्ड बना है वहीं से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई परेशानी है तो सबसे पहले उसे ठीक करवा लें। इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कई तरह के छूट दी जाते थे, जैसे कि आप बिहार में कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। बता दें कि पुराने नियम के अनुसार ड्राइविंग टेस्ट में परेशानी होती थी, ऐसे में अब आपको अपने ज़िले में ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा। DL के नए नियम के अनुसार अब आपको DL आधार कार्ड से भी जोड़ा जाएगा, यानी कि जोड़ना होगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए लागू है। तो एक तरह से कह लें कि अब जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नए नियम लागू हुए हैं, खास करके आधार कार्ड के जो पता है वहीं पे जाके आपको जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।